सो हेलो YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। सो गाइज, अपनी जो सीरीज है शोकेस माई राइड, वो आपको कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मेरे को तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। सो गाइज, टुडे वी हैव द लवली लुकिंग वाइट ZX10R, विच इज मुंबईज फर्स्ट वाइट ZX10R, और इसको अपना एक व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे लगा हुआ है। सो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट जाके वो वाला व्लॉग चेकआउट कर लो। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो आपकी वी हैव दिस वाइट कूल लुकिंग ZX10R। सो आज ये बाइक के ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग होने वाला है, एंड इसके जो राइडर है उनको भी हम लोग यही व्लॉग में शोकेस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और जो बेल आइकन है उसे दबाना भूलना मत। वहाँ पे पीछे खड़ी है अपनी ब्लू CBR। सो चलिए गाइस, व्लॉग को शुरू करते हैं। This bike is only the first sold bike in the Mumbai. और actually मैं first impressions are so good, आप देख सकते हो क्या कलर है। सो गाइज, इसका और भी डिटेल आने वाला है, एंड इसके जो राइडर है मैं उनको बुलाता हूँ अभी। सो हाय विराज। हाय, आई एम विराज पाटिल, एंड दिस इज माय वाइट कलर लिमिटेड एडिशन 2023 ZX10R। क्या बात है, वेरी मच लिमिटेड। ओके, सो विराज, ये जो गाड़ी है ये कुछ एक या दो ही मुंबई में सेल हुई है क्या? यस राइट, इट इज। अच्छा, मेरे ख्याल से दो ही गाड़ी है जो मुंबई में सेल आउट हुई है। अच्छा, कोई नहीं गाड़ी। एंड अपना जो डिलीवरी व्लॉग था वो भी बहुत अच्छा हुआ था। सो गाइज, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें विराज को ये वाली गाड़ी का डिलीवरी लेते टाइम का, सो देखना, वो आई बटन में आते रहेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन, यू कैन वेरी वेल सी द डिस्प्ले। क्या बात है। एंड गाइज, ये जो बाइक है ना, टोटली बोलते ना हेड टर्नर है, बिकॉज इसका जो कलर है ना, वो जो अपनी रेगुलर ZX10R है जिसका ग्रीन कलर है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी अपनी ब्लू CBR भी पीछे ही खड़ी है। सो गाइज, देखिए पूरी की पूरी बाइक जो है वो एकदम अच्छे से चमक रही है। सो विराज, मेरे को एक दो चीज़ पूछना था कि तुमने आज के डेट में ये गाड़ी के ऊपर क्या क्या एक्सेसरीज डाली है। कैसा है कि ऑलरेडी इसमें इतने सब कुछ फिटेड है एक्सेसरी, वो तो है भाई, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें डाली है। एक तो मैंने अपना एग्जॉस्ट डाला है एरो का, एंड वाओ, सेकंड थिंग किया है इसका ECU फ्लैश। सो विराज, ये जो एग्जॉस्ट है इज इट अ फुल सिस्टम? नहीं, मैंने सिर्फ डिकैप किया है, क्योंकि okay. आगे तो गाड़ी में ऑलरेडी टाइटेनियम हेडर्स आते हैं, हेडर्स डाला ही है। ओके गाइस, सो यू कैन वेरी वेल सी, इसके अलावा वी कैन आल्सो सी द RNG का रेडिएटर ग्रिल्स। ओके, एक चीज पूछना था, जैसे अपना एग्जॉस्ट अपडेटेड है तो आपने एयर फिल्टर वगैरह भी चेंज किया है क्या? यस यस यस, मैंने एयर फिल्टर चेंज किया, BMC का एयर फिल्टर डाला है मैंने गाड़ी में। ओके, और एक सबसे बड़ी बात तो है कि गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है वो एग्जॉस्ट के ऊपर ही आता है, और जो साउंड है उसके लिए गाइज बने रही है व्लॉग में, आपको मैं साउंड जो है थोड़े टाइम में सुनाऊंगा। दोनों साइड में ECU फ्लैश करने के पहले एंड ECU फ्लैश करने का बहुत मतलब मेजर डिफरेंस है। एक तो पहली बात तो मेरा हंटिंग जो गाड़ी का था, ओके, एग्जॉस्ट चेंज करने के वजह से जो हंटिंग हो रहा था वो हंटिंग नॉर्मल हो गया, स्मूथ हो गया, फायरिंग स्मूथ हो गई। ओके, उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है मेरी परफॉर्मेंस। मेरी परफॉर्मेंस मतलब मेरा BHP जो पहले कंपनी ने प्रोवाइड किया था 207 BHP, ओके, अभी हो चुकी है आफ्टर ECU फ्लैश 224 BHP। वाओ, यस, एंड ये सब चीज़ें मैंने की है बिकॉज मेरा ऐसा प्लानिंग है इन फ्यूचर फॉर ट्रैक, मुझे अच्छा लेके जानी है ट्रैक पे। क्या बात है, क्योंकि ये गाड़ी पूरी बनी है ट्रैक के लिए। वी हैव कंपनी फिटेड ऑटो क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, एज वेल एज वी हैव क्रूज कंट्रोल, जो क्या बात है, टेनर में नहीं थी वो, अभी मैंने देखा इसमें फीचर्स आ चुके हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। जब मैं हाईवे पे कहीं एक लॉन्ग रूट पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे ये जो ये है अपना बहुत काम में आता रहेगा आपको, काम में आता है मुझे। इसके स्विचेस भी बहुत अच्छे हैं। यस यस, एंड कंपनी ने एक्चुअली बहुत सारे मेजर अपडेट जो है वो इसी टेनर में किए हैं। वी हैव अ गुड स्टेयरिंग डैम्पर एज वेल।
सो इसके स्टैंडर्ड फीचर्स ही इतना है, तो भाई टेनर को ट्रैक पे जरूर लेके जाना और एंड आई होप सो कि मैं भी ज्वाइन करूंगा तुमको ये टाइम। इसके पहले भी आपके पास टेनर ही थी, एक 2015-16 की गाड़ी थी। सो आपने वो बाइक के बाद फिर से टेनर ही क्यों लिया, कुछ BMW या डुकाटी वगैरह में अपग्रेड क्यों नहीं किया? एक्चुअली द थिंग इज कि ये बाइक क्योंकि मेरे को पुराना टेनर मैंने चलाया हुआ था तो okay. उसका राइडिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग जो परफॉर्मेंस मुझे चाहिए था हाँ? तो मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हुआ चुका था टेनर। अच्छा, तो वही रीजन के वजह से। और दिस इज दी एज आई टोल्ड यू कि 2023 की लिमिटेड एडिशन गाड़ी बाइक होने के वजह से okay. जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड का लिमिटेड एडिशन जो गाड़ी है okay. तो मुझे कुछ अलग लेना था, मतलब एक अलग टेनर के अलग अलग कुछ टेनर लेना था, तो उसकी वो तो है, वो तो है, सही बोला। सो गाइज एक चीज तो कंफर्म है, हम लोग जब भी राइड पे जाते हैं ना वहाँ पे कम से कम 6 से 7 नई वाली और पुरानी वाली टेनर रहती है और सबकी नजरें जो है ना वो विराज की इस बाइक के ऊपर ही रहती है। तो उसके वजह से मुझे तो बहुत सही लगता है कि मेरा जो राइडिंग पार्टनर है ना उसकी और मेरी बाइक जो है ना सब में ज़्यादा यूनिक दिखती है। ये वैसे तो कंपनी से इतनी लोडेड आती है, इसके बाद के आपके क्या प्लान्स है कि मतलब और क्या क्या लोडिंग्स करने वाले हो? गाइस इसमें कैसे है कि मैं इसमें और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे टेल टाइडी में ऐड ऑन करने वाला हूँ। ओके, अभी तो स्टॉक पे ही है। एक अनदर टेल टाइडी में डालने वाला हूँ, फिर यहाँ पे जो विंगलेट आता है फिलहाल बहुत वो अच्छा लगता है। क्या बात है, विंगलेट में एक इसमें डालने वाला हूँ, विंडस्क्रीन में डालने वाला हूँ, उसके बाद लीवर प्रोटेक्टर, दिस इज द थिंग मैं इसमें और लोड करने वाला हूँ। क्या क्या लगा हुआ है, ब्रेम्बो के कैलिपर्स है, फिर एक्चुअली इसमें RNG के स्लाइडर्स भी लगे हुए आई कैन सी, एंड जो फोर प्रोटेक्टर्स है वो है, नंबर देखो गाड़ी का 9000। सो ये नंबर के पीछे की कहानी क्या है आप हमको खुद बता दो। ये नंबर के पीछे कहानी ये है कि मेरा एक ऐसे बोला जाएगा कि तो ये मेरा फैमिली नंबर है, मेरे हर okay. एक फोर व्हीलर हो, बाइक हो, या अच्छा चाहिए हो, बड़ा ट्रक हो, ओके okay. सब गाड़ियों में मेरा एक ही फैमिली नंबर है, दैट इज 9000। तो ये इसमें सबसे बड़ी कहानी है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमने तुम्हारी एक्टिवा में भी 9000 नंबर लिया। यस ऑफ कोर्स, क्या बात है, क्योंकि फैमिली नंबर, एज आई टोल्ड यू इट इज अ फैमिली नंबर, तो हर एक चीज, अगर साइकिल को भी नंबर रहता 9000 लेता। ये तो बहुत सही बहुत बात बोली आपने। इसके नंबर खरीदा कितने में? एक्चुअली मैंने ये नंबर खरीदा है 15000 में। ओके, ए टू जेड क्या चमक रही है, आप देख सकते हो हर एक एंगल से इसका जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो छोटा सा वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ। ओके, सो गाइस देखो इसका जो चमकने का राज है ना वो एक सिंपल चीज से है कि गाड़ी का हर एक पैनल जो है ना उसको PPF किया हुआ है। यू कैन वेरी वेल सी यहाँ पे भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके वजह से दिख रहा है। एंड इसका जो आगे का मीटर है उसके ऊपर भी PPF किया हुआ है। सो विराज आपका जो बाइक है वो तो ECU फ्लैश किया हुआ है, सो ECU फ्लैश करने के पहले और बाद का क्या डिफरेंस है वो आप बता सकते हो? दोनों साइड में ECU फ्लैश करने के पहले एंड ECU फ्लैश करने का बहुत मतलब मेजर डिफरेंस है। एक तो पहली बात तो मेरा हंटिंग जो गाड़ी का था ओके एग्जॉस्ट चेंज करने के वजह से जो हंटिंग हो रहा था वो हंटिंग नॉर्मल हो गया, स्मूथ हो गया, फायरिंग स्मूथ हो गई। ओके उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है मेरी परफॉर्मेंस। मेरी परफॉर्मेंस मतलब मेरा BHP जो पहले कंपनी ने प्रोवाइड किया था 207 BHP, ओके अभी हो चुकी है आफ्टर ECU फ्लैश 224 BHP। वाओ, एंड ये सब चीज़ें मैंने की है बिकॉज मेरा ऐसा प्लानिंग है इन फ्यूचर फॉर ट्रैक, मुझे अच्छा लेके जानी है ट्रैक पे। क्या बात है, क्योंकि ये गाड़ी पूरी बनी है ट्रैक के लिए। वी हैव कंपनी फिटेड ऑटो क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर एज वेल एज वी हैव क्रूज कंट्रोल, जो क्या बात है पहले टेनर में नहीं थी वो अभी मैंने देखा इसमें फीचर्स आ चुके, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। जब मैं अच्छा हाईवे पे कहीं एक लॉन्ग रूट पे जाता हूँ यहाँ पे मुझे ये जो ये है अपना बहुत काम में आता रहेगा, आपको काम में आता है मुझे। इसके स्विचेस भी बहुत अच्छे हैं। यस यस, एंड कंपनी ने एक्चुअली बहुत सारे मेजर अपडेट जो है वो इसी टेनर में किए हैं। वी हैव अ गुड स्टेयरिंग डैम्पर एज वेल, सो इसके स्टैंडर्ड फीचर्स ही इतना है, तो भाई टेनर को ट्रैक पे जरूर लेके जाना और एंड आई होप सो कि मैं भी ज्वाइन करूंगा तुमको ये टाइम। Thank you.
हाँ इथूनच गेल. सो गाइज मेहनत तो है, मैं वो बहुत पूरी ले रहा हूँ. आज अपना जो शोकेस माई राइड का जो सीरीज़ है उसका ये वाला एपिसोड में आई हैव फीचर द मुंबई फर्स्ट वाइड जेड एक्स एन आर. सो ऐसा ही प्यार जो है अपने ऊपर बनाए रखो एंड मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में. टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना हेलमेट जो है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत. साइनिंग ऑफ, बाय बाय.